नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आइए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार कुश्ती महासंघ के नवनिर्मित अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उन आरोपों को लेकर एक चार्जशीट दाखिल की है। वही बीकेयू और खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में जब शनिवार को में मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आगे की रणनीति पर हमारी चर्चा चल रही है और पहलवानों के साथ लंबा आंदोलन चलाने वाली समिति का जो भी फैसला होगा खाप पंचायत तो उसका समर्थन करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में व्यस्त है। आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट को देखकर यही पता चलता है कि जब सरकार ने किसी को बचाने का मन बना लिया तो उसके पास ऐसा करने के कई तरीके हैं। तो वहीं आदि पुरुष में बजरंग बली से बुलवाई जा रही है बजरंग दल की बाजा, ऐसा कहा गया। आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष बड़े पर्दे पर रिलीज तो हो गई है लेकिन विवादों का पिटारा भी साथ में लेकर आई है। आरोप है कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ रामायण की मूल भावना के साथ मजाक किया गया है। बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग की गई है, ऐसी याचिका दाखिल की गई है। वहीं सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में फिल्म को बैन करने के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आदि पुरुष के बजरंग बली से बजरंग दल की भाषा बुलवाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को आरोप लगाया कि फिल्म आदि पुरुष में भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर लोग मांग करते हैं तो कांग्रेस सरकार राज्य में इसे बैन करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में डायलॉग आपत्तिजनक और अशोभनीय है। रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने, पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। तो अगली खबर तेलंगाना से, जहां हैदराबाद के संतोष नगर स्थित केवी रंगारेड्डी कॉलेज में शनिवार को उर्दू माध्यम की डिग्री परीक्षा देने वाली कुछ छात्राओं को कथित तौर पर परीक्षा देने से पहले अपना बुर्का उतारने के लिए कहा गया है। इस मामले में सामने आने के बाद से ही तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने घटना की निंदा की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बुर्का उतारने के लिए कहने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने से आगाह किया है। महमूद अली ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई हेडमास्टर प्रधानाध्यापक अपनी मर्जी से बुर्का पहनने वालों पर रोक लगा रहे हो, लेकिन हमारी नीति पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, लोग जो भी चाहे पहन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का नहीं पहना जा सकता, इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर आप यूरोपीय पोशाक पहनते हैं तो यह सही नहीं होगा, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खासकर की महिलाओं को। उन्होंने कहा कि महिलाएं यदि कम या छोटे कपड़े पहने तो उसे इससे समस्या हो सकती है, अगर वो अधिक कपड़े पहनेंगी तो लोगों को भी इससे शांति मिलेगी। कुलर बात ये इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की अगर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, हालात खराब होंगे। जो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि वो पल्ले पे पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं, और एक अच्छा ड्रेस हमारा उसकी हम इज्जत करना चाहिए। औरतें खासतौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों की जरूरत सर गुफा नहीं कर नहीं। तो वहीं दिल्ली के आरकेपुरम थाना इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां रविवार तड़के सुबह 4:30 बजे बदमाशों ने अंबेडकर बस्ती में दो बहनों को गोली मार दी है। जख्मी दोनों बहनों को दिल्ली के एसजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां पर उनकी मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डबल मर्डर की घटना पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ईश्वर दोनों मृतकों की आत्माओं को शांति दे। केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं गोली की आवाज सुन के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। किसी ने फायरिंग की और जिसके बाद ये सूचना पुलिस तक दी गई। उसके बाद तत्काल एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पर मृतक दोनों बहनों के नाम पिंकी और ज्योति बताया जा रहा है। बता दें कि पैसों के विवाद को लेकर दोनों बहनों की हत्या हुई है, जहां बदमाशों ने ज्योति और पिंकी के भाई से
15,000 रुपए लेने की बातचीत को सामने रखा था। वहीं इसी पैसों के चकते बदमाश जो थे वो उसे सुबह लेने आए, जहां पर ज्योति और पिंकी की भाभी ने बताया कि बदमाशों ने घर के दरवाजों को कई बार धक्का दिया लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इसके बाद बदमाश दोबारा सुबह 4:30 बजे आए, फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार घर के परिजनों ने दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि शिशिर शिंदे इस बात से नाराज थे कि पार्टी का उपनेता बने हुए उन्हें साल भर हो गया है लेकिन नेतृत्व ने उन्हें अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये बात उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखी और उद्धव ठाकरे को ये पत्र सौंप दिया। शिशिर शिंदे का आरोप है कि 6 महीने से उद्धव ठाकरे उनसे मिल भी नहीं रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी अध्यक्ष से मिलना असंभव हो गया था। वही उनका ये भी कहना है कि मन का काम ना कर पाने की वजह से, ना मिल पाने की भी वजह से उनको ऐसी दिक्कत सामने आ रही थी। वहीं शिशिर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जो पत्र सौंपा उसमें लिखा था कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं पाई, फिर उन्हें अल्करारिक पद दे दिया गया। इसके लिए उन्हें 4 साल अपने बर्बाद करने पड़े। गौरतलब है कि 22 साल पहले यानी कि साल 1991 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था। उस समय कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यह क्रिकेट मैच रोकने के लिए शिशिर शिंदे ने स्टेडियम की पिच खोद दी थी, तभी से वो चर्चा में आ गए थे। वहीं बाराबंकी के कोटी क्षेत्र में अज्ञात चोरों के तांडव से 24 घंटे में 3 चोरियों के होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि बीते दिन केसरगंज पुलिस बूथ के समीप गुमटी का ताला तोड़कर चोर दुकान का सामान लेकर फरार हो गए थे। बीती रात कोटी कस्बा स्थित थाना परिसर से लगभग 20 फीट की दूरी पर युवक को गुमटी में चाय, समोसा, पान मसाला बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। वहीं बीती रात दोनों गुमटियों का ताला तोड़कर मसाला और नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं इस पर इन घटनाओं को देखते हुए रागीर और ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर अंकुश लगाते हुए ये कहते हैं कि थाना परिसर के समीप लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्या समस्या है? समस्या क्या, रात में चोरी हो गई हमारी दुकान में। क्या क्या सामान दिया है? 5-6 पीस प्लस 500-600 रुपये गया है, प्लस एक बैटरी गया है। और पड़ोस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, पंडित जी के यहाँ भी चोरी हो गई, उनका भी बैटरा गायब हो गया है, 250 रुपये उनके यहाँ से भी गए। तो वहीं झांसी में राष्ट्रपति संगठन के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्र संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर किले के मुख्य द्वार से रानी झांसी बलिदान यात्रा निकाली गई, जो महानगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। रानी झांसी के बलिदान दिवस की पहले शनिवार को झांसी दुर्ग के मुख्य द्वार से रानी झांसी बलिदान यात्रा का आयोजन राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया की अध्यक्षता में किया गया। वहीं अंचल अर्जरिया ने बलिदान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना कर दिया। वहीं यात्रा में मौजूद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रानी तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इन तरह के नारों से इसका उद्घोष किया, जिसके बाद ये आगे बढ़ी। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर स्वतंत्र होकर के खड़े हुए हैं, ऐसी महारानी का 18 जून को बलिदान दिवस होता है। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ग्वालियर में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। उन महारानी की याद में 17 जून को हम लोग यहाँ से विशाल ज्योति यात्रा आयोजित करते हैं। जो रामनगरी अयोध्या में भीषण गर्मी के कारण बिजली सप्लाई के बढ़ते लोड से नगर के कैंट थाना क्षेत्र में डीएम आवास के निकट चुंगे चौराहा के निकट स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण विस्फोट के साथ धू धू कर आग लगने लगी। वहीं बता दें कि ट्रांसफार्मर से निकले तेल से वहां मौजूद एक गुमटी और ठेले में आग लग गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, उनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे युवक को डॉक्टरों ने लखनऊ
रेफर कर दिया है, जबकि दो लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मेहनत करके आग पर काबू पा लिया। ये जो अभी जले हुए आए हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा जला हुआ कितने परसेंट तक जला हुआ है? ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक बर्न का केस है और 100% बर्न है। एक पेशेंट, उसकी स्किन भी बाहर हो गई है, पूरी बॉडी ब्लैकनिंग हो गई है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको रिफर भी करना है। और जो दो लोग उनके साथ हैं उनके? दो लोग का कम है, थोड़ा थोड़ा जला है, वो तो यहाँ पे एडमिट करके ट्रीटमेंट हो जाएगा। वहीं झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका अधिशासी के आदेश पर नगर पालिका कर्मचारी दमेले स्कूल के सामने बने मार्केट में पहुंचे और दुकानदार को बताया कि किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं करोगे। इतनी बात सुनकर दुकानदार बौखला गया और दुकानदार अंदर से कपड़ा काटने वाली कैंच ले आया, जिससे वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं पीड़ित कर्मचारी ने प्रार्थना पत्र में दुकानदार के विरुद्ध एकजुट होकर कार्रवाई करने की मांग की। आज आप लोगों ने किस मामले में शिकायत की है पुलिस को? ये 14 तारीख को जो है हम लोग एक दमेले स्कूल के सामने जो है 7 दुकानें बना दी गई 5 की जगह पर, उसके संबंध में वीडियो बनाने गए थे। वहाँ पे कोई पता चला था कि यू साहब ने बताया कि तुम लोग वहाँ चले जाओ, वहाँ वीडियो बना लो, कोई दुकानें में तोड़ फोड़ छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि वे जाँच के दायरे में अस्वीकृत हो चुकी हैं वो दुकानें। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक रिंकू अग्रवाल जो है दुकानदार था, यूपी के फतेहपुर जिले में अमूली विकासखंड ग्राम वही ग्राम पंचायत में 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर तैयारियों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पूरे जिले में अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे फतेहपुर को कुल 7,00,000 लोगों को योग से जोड़ने और भारत सरकार को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कमान योग प्रोटोकॉल का सामूहिक योग अभ्यास कराए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। झांसी में सरकार के द्वारा जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के लिए पात्र गृहस्थी कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया गया, तो वहीं एक परिवार आज तक राशन कार्ड ना बनने से परेशान है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर देवरी सिंहपुरा में रहने वाले दंपत्ति ने बताया कि आज तक उसका किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं बना है, ना ही उसे राशन कार्ड संबंधी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है। तो वहीं महिला के द्वारा तहसील में अधिकारियों से मामले को लेकर शिकायत भी रखी गई है। वहीं मामले को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्यालय पहुंची दंपति को राशन कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया गया है। ना भाई सुनील कुमार। सुनील कुमार, पूरा नाम बता। सुनील कुमार आर्य। आर्य कहाँ से हो? हमें रानीपुर देवी चंपा से, नई बस्ती। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब, राशन कार्ड है नहीं है, गरीब आदमी, मकान टूटे हैं साहब, उस कट्टी साहब के पास जाते हैं तो रोशान नहीं कहते हैं, कम से कम 8-10 बार हुआ है, जब जाते हैं तो बोल देते हैं 8 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। आज तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस में पूजा पत्नी सुनील कुमार निवासी देवरी सिंहपुरा उपस्थित हूँ। उनके द्वारा राशन कार्ड, अभी तक कोई भी राशन कार्ड ना बनाए जाने संबंधी शिकायत की गई, जिसके क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुपालन में उसके समस्त कागजात को लेकर और उसको राशन कार्ड आवेदन हेतु ऑनलाइन करने हेतु कहा गया है। भारतीय किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा कर सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में अयोध्या से बिहारी साधु संतों को अयोध्या से बाहर निकालकर स्थानीय ब्राह्मणों को मंदिरों की कमान सौंपने की मांग करके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव धनश्याम शर्मा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अयोध्या की तपस्वी छावनी के साधु आचार्य परमहंस के उस बयान पर भड़के हैं, जिसमें परमहंस ने
भारतीय किसान यूनियन को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। वकीलों ने परमहंस के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं कराई, जिसके विरोध में भकीयू 21 दिन से सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना दे रही है। धरने के दौरान बिहारी साधुओं को अयोध्या से निकालने का बयान जारी किया गया है। वही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जान बचाने के उद्देश्य से बाहर से भागकर अयोध्या आए और साधु भेष धारण करने वाले व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकते और ना ही उनकी सोच देश और समाज के हित में कभी हो सकती है। योजना को तो मैंने अभी चर्चा किया है, ये जन्मस्थल है नीम करोली बाबा का जो है, जिनके बारे में आप मालूम कैंची धाम, इनका जो है हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो जगह स्थान है मथुरा में है, और इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। उनके ऐसे ऐसे चमत्कार उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसको देख करके जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया अपने जीवन में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।